आनंद जी, श्री श्री नजीर अहमद रावे एक एक रैंक में रिटायरिंग मेंबर्स, जस्ट प्लीज संक्षिप्त में। सर, मोहतरम लुकाम चेयरमैन साहब, आज मैं इस सदन में अपनी 6 साल मुद्दत पूरी करने पर बोलने का जो मौका मिला, जब मैं 2015 में इस सदन का हिस्सा बना, उस वक्त मेरे लीडर मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद सईद हयात थे, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। उस वक्त मेरी रियासत जम्मू कश्मीर किसी और मुकाम पर थी और आजकल किसी और मुकाम पर। मुझे याद है कि डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने कहा है जम्मू कश्मीर के मुल्लिक, पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाय आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासवान हवा, गुलशन है जिनके दम से रश्के जहां हमारा, वो संतरी हमारा वो पासवान हमारा। मैंने अपने तमाम लीडरों की बातें सुनी और मैं एक राहत इंदौरी का जो थोड़ा बहुत गज़ल है वो बताना चाहता हूँ। ये जो दस्तक है दिल के दरवाजे पे, ये जो दस्तक है दिल के दरवाजे पे, अंदर कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? मैंने 6 साल गुजारे सदन में और 6 साल में जो मैंने देखा, जैसे हमारे मोहतरम मुकाम वजीर अजम ने कहा कि जब मैं यहाँ नहीं आया था, पहली बार आया तो मुझे जो जान पहचान थी वो खाली जम्मू कश्मीर में थी, खासकर समेटी हुई कश्मीर में। लेकिन जब मैं यहाँ आया, यहाँ भेजा गया मुफ्ती साहब की वजह से, तो मैंने हर एक स्टेट का दौरा किया और आज अल्लाह ताला के फजल करम से हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में मेरे दोस्त रहे हैं, मेरी बहनें रहे हैं, मेरे भाई रहे हैं और एक रिश्ता बढ़ गया है मेरा इस देश के साथ। और जिस देश को जितना मजबूत किया जाए और मेरे भी जहां बॉम की होगी, इंशाअल्लाह मस्तान मरते दख तक रहूँगा। एक याद शेर याद है मुझे, जब हमारे शहीद भाई बॉर्डर पर होते हैं तो वो कहते हैं, गर कर चले हम फिदा जहाँ वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जहाँ तक मेरा सिस्टम है कि आज 27 साल के बाद ये सदन खाली हो रहा है और अब मैं यही कहूँगा, अब तुम्हारे हवाले ये सद जम्मू कश्मीर साथियों। जिस वादिया गुलपोश में मैं रहता हूँ, वहाँ 6 सालों में बहुत सी तब्दीलियाँ रोनमा हुई और मुझे इस सदन में बहुत सी शख्सियतों, सियासी रहनुमाओं से मिलने का मौका मिला और जो अजीम लीडर थे हमारे, जो हमसे बिछड़े हैं, वो जेटली साहब, जिसको मैं घर से जानता हूँ, जिसको मैं जम्मू से जानता हूँ, और आज़ाद साहब तो मेरे घर में एक पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ कि जब मेरे बच्चे छोटे थे, मुझे अपने घर में, जो हमारी जम्मू कश्मीर की हालात है, कभी भी अपने बच्चों को नहीं देखा जब तक मैंने अपनी बेटी की शादी की। उस वक्त उसको पता चला कि मेरा बाप आज पहली बार घर में है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यहाँ गुजरात के क्या हुआ, हमारे घर कर एक एक आदमी विक्टिम बन गया है। आज इस संसद में बताना चाहता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर जिस दलदल में फंसे हुए हैं, इस जम्मू कश्मीर के लिए आप लोगों को कुछ न करना है, उसको मरहम लगाना है, उसको अडाप्ट करना है, हमारे बच्चों को अडाप्ट करना है। हमने यहाँ तकरीरें सुनी, तेज तरार तकरीरें सुनी कभी, और खामोश जवाब सुने कभी, खामोश तकरीर सुने लेकिन उसके जवाब तलख हो रहे थे। हमने यहाँ आके जम्मू कश्मीर ने, मैंने जो जाती तौर मुझे कहना है, हमने बहुत कुछ खोया है लेकिन हमने बहुत कुछ साथ साथ पाया भी। और मेरी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से गुजारिश है कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगार पढ़े लिखे लोग हैं, कि हमारे पास कोई एवेन्यू नहीं है। हमारा एक ही सेक्टर था टूरिज्म जम्मू कश्मीर में, वो भी खत्म हो गया। उस जम्मू कश्मीर को आप ह्यूमन अडॉप्ट करें, ह्यूमन डेवलपमेंट की जरूरत है, वहाँ डेवलपमेंट की जरूरत है, वहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट की जरूरत है, वहाँ रिसोर्स डेवलपमेंट की जरूरत है। अगर हम इस सदन से जाएंगे, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है सिवाय हमारे डॉक्टर साहब, और आप लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, आप लोगों ने जम्मू कश्मीर की बात करनी है। आप लोगों को चाहे पार्लियामेंट में है, लोकसभा में है, चाहे राज्यसभा में है, आप लोगों को हमारी वकालत करनी है कि जम्मू कश्मीर में जो मसले हैं, उन मसलों को कैसे हल किया जाए। अगर हम अपने दिल की बात कहें कि हमारे जख्म कितने गहरे हैं,
जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर के लोगों के कितने जख्म गहरे हुए, मुझे नहीं लगता है वो ठीक हो जाएंगे। और मेरी प्रधानमंत्री और आप सबसे गुजारिश है कि वक्त वक्त पर जब भी मुझे मौका मिला अपनी बात करने का, चाहे 370 था चाहे 35 ए था, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस जो दिया था इसी संसद ने, उसके लिए उसके बचाने के लिए मैंने बहुत विरोध किया। और मैंने अपने लीडर से, जो लीडर से मैंने बहुत बातें सीखी, जिन लीडर में हमारे अजीम रहनुमा शरद पवार जी हैं, हमारे जेटली साहब थे, हमारे सुषमा स्वराज जी थे, हमारे आजाद साहब तो थे ही, हमारे वजीर अजम साहब, क्या वजीर अजम मनमोहन साहब की, मनमोहन साहब जो है यहाँ, हमारे शकर ये राम गोपाल जी है, हमारी बहने हैं, जैसे हमारी ये मैडम है या वो मैडम, हम हैं बहुत सी बहने जो हमारी है, जो वो तकरीर कर रहे थे उन चीजों से मैंने सीखा। और इंशाल्लाह और मस्तान मैं यहां से जो मैंने सीखा वो मैं जाके जा रहा हूँ, वो मैं कश्मीर जाके जा रहा हूँ और कश्मीर के लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा जो देश है, हमारे देश में जो सांसद रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनके हमारे तहत कितनी हमदर्दी है। जब भी मैंने विरोध किया जो कोई मसला था, तो यहाँ के चाहे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में मेरे दोस्त जो मिले, मेरे पार्लियामेंट जो मिले, उन्होंने बोला कि हमारी कहाँ जरूरत है, अगर हमें कहीं कभी जख्म भी लगा तो सब लोगों ने वजीर अजम से मिलके या होम मिनिस्टर से मिलके उन्होंने बोला क्या करेंगे हम, कैसा कहाँ पर हम जख्म को ठीक कर सकते हैं, और मैंने इनके नोटिस में डाल दिया। ये संसद जो है ये खुशबू है हमारे देश की, ये एक बहुत बड़ी खुशबू है हमारी, इस खुशबू को लेके मैं आज जा रहा हूँ जम्मू कश्मीर। अब विदा नहीं हो रहे, आपकी यादें हमारे साथ है, मैं जम्मू कश्मीर में संसद की खुशबू लेके जा रहा हूँ, और इंशाल्लाह मस्तान जब तक जिंदा हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, तब तक इस कौम की और इस मुल्क की खिदमत करता रहा, क्योंकि हमारा मुल्क आज मेरा अलविदाई तकरीर है, और उम्मीद है कि संसद आने वाले कल में हमारे मसाइल जो मैंने बोले उनको संसद में रखे। जिस वक्त मैं यहाँ आया, इस वक्त जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक रियासत थी, और आज हमारी दो यूटीज बने हुए हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर ने वादा दिया है इस संसद में मेरे सामने कि हम इस जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत बनाएंगे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आज या कल ही ये बिल लाएंगे ताकि हम उस स्टेट को लेके यहाँ से जाएंगे। मेरी उम्मीद नाजीर जी, जम्मू कश्मीर आज भी मामूली बार एक मिनट, जम्मू कश्मीर आज भी एक मामूली बारिश की वजह से मुल्क से कट जाता है। हम तीन रीजन में रहते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू से कश्मीर जाने में थोड़ी भी बारिश होगी, आप देख रहे हैं कि 10-10 दिन रोड बंद हो जाता है, उस पर काम जल्द जल्द होना चाहिए। और जैसा कि हमारे पीयूष गोयल जी ने कहा कि 2022 में रेल जाएगी, रेल कनेक्टिविटी हमारे कश्मीर में नहीं है, यही हाल जो कश्मीर से कारगिल तक है। और मुझे उम्मीद है आज, क्योंकि हमारा मुल्क सेकुलरिज्म और सोशलिज्म पर मबनी है, हमारे मुल्क की संविधान की एक खूबी है, जिस मुल्क में हम रहते हैं इस संविधान की खूबी है, हम सब मिलके हिंदू मुस्लिम भाई एक रहते हैं, और हमें ये जज्बा होना चाहिए। कश्मीर में चाहे मजारटी मुस्लिम है, हम हमारे वो भाई हैं, कहीं हिंदू मजारटी है हमारे भाई है, हमारा ईमान है। और मेरी लास्ट में ये गुजारिश है, मतलब आखिर पर मैं तमाम साथियों का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, जो मोहब्बत मुझे मिला इस 6 साल में उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ कि आप सब कश्मीर आइए, ताकि ऑन ग्राउंड आप देख लीजिए और वहाँ की वादियों का लुत्फ उठाइए, ये मेरी गुजारिश है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद नजीर अहमद दवे जी, गॉड ब्लेस यू। श्री मीर मोहम्मद फैजल।